पाल में इस समय सेजवानी धाम में हूँ, जहाँ पर संटी ह्यूमन फाउंडेशन के संस्थापक परमालय जी के सानिध्य में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ पर ग्वालियर से परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन और डॉक्टर अंश विनय राय जी और पूरी टीम यहाँ पर है, केपी शंखवार से लेकर के सभी साधकों से बात करेंगे जो कि ग्वालियर से चल कर के आए हैं यहाँ पर। सबसे पहले इस संस्थापक से बात करेंगे जो परमाला प्रेमी भाली के संस्थापक हैं इंजीनियर राजेंद्र जैन, क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है और इस परमाला जी के प्रयोगों से किस तरीके का लाभ होता है? सबसे पहले मैं राजा भैया आपको और आपकी जन अदालत के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपका चैनल परम धाम सेजवानी धाम में है। मैं आपको बता दूं, परम पूज परमाले जी से मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूं, जब वो ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में आए थे, तब से और आज तक मैं निरंतर उनके संपर्क में हूं। मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ, धर्मपति हमारे साथ हैं। मेरी स्थिति ये थी कि मैं अंतिम स्थिति में अंतिम सांसें गिन रहा था और जैसे ही उनके प्रयोग और आदर्श ब्रेकफास्ट मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी में लिया, तब से लेकर अब तक मैं 24 घंटे मेहनत करता हूँ और ऊर्जा में हूँ। और खुशी की बात यह है, परमाला प्रेमी भानी आज हमारे जो नए साधक आए हुए हैं, चाहे वो हमारे धर्म सिंह जी हों, राम साई जी हों, हम गौतम जी हों, कटारे जी हों और हमारे हरेंद्र महेंद्र सिंह भाई साहब हों और हमारी जो टीम पहले थी, ये नए साधक आए, तोमर साहब हमारे साथ आए, प्रहलाद जी हैं, तो आज हम ये बहुत दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं। यह धरा का स्वर्ग है, यह संस्कार है, स्वास्थ्य है, ऊर्जा है, प्रेम है, करुणा है, भोजन है, स्वच्छता है और ख़ास बात यह है, यह सुंदर बहुत बढ़िया हो रहा है। यहाँ आते ही हम सबका ऊर्जा का लेवल टॉप पर है। आप अभी सने सने एक एक करके सबसे इंटरव्यू लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। ग्वालियर में कितने सेंटर चल रहे हैं? ग्वालियर में 13 सेंटर है और अभी 2 सेंटर हमारे अंश जी के भाव से खुले थे नेहरू पार्क द्वारकाधीश में। कुल कितने साधक होंगे इन सेंटरों के अंदर? कुल करीब 1000 लोग होने चाहिए, कुल मिला के लगभग 1000 लोग होने चाहिए और हमारा संकल्प है कि 51 सेंटर हम ग्वालियर तानसेन नगरी में खोलने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर अंश विनय राय जी जुड़ रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पूरा प्रोग्राम का, क्या लक्ष्य है इस संस्थान की तरफ से? मेरा 2019 से मैं पूज्य परमाला जी के जो प्रयोग हैं इनसे जुड़ा, लेकिन मेरी यात्रा 2021 में सेजवानी की ओर हुई। सेजवानी में जब यात्रा मेरी हुई तो मुझको अद्भुत चमत्कार यहाँ से मिले। मैं भी, मेरे घुटने की जो सर्जरी हुई है, 2 बार मेरी सर्जरी हुई है, मैं बहुत परेशान था को पैर को लेके कि कैसे आगे की मेरी यात्रा होगी, लेकिन जैसे ही मैंने इनके प्रयोगों को चालू प्रारंभ किया तो मेरे को पैर में आराम मिलने लगा। और आज जब मैं यहाँ पे बैठा था तो मैंने एक संकल्प लिया था कि जब प्रयोग चालू होगा 3:40 पे, तब से मैंने लार रोक के रखी, जब तक सूर्य भगवान की आराधना नहीं हुई तब तक मैंने लार रोक के रखी। तो लार का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग जो है वो मैंने समझा और पूज्य परमाला जी के जो 3 सूत्र हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है उनका, सम्यक ध्यान, उसको मैं अब गहराई से समझ रहा हूँ। मेरे को पूरा विश्वास है कि जो संकल्प मैं छोटे छोटे लेता था कभी वो टूट जाते थे, लेकिन अब वो संकल्प मजबूत होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उसको मजबूत, संकल्प को मजबूत करने के लिए लार का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यही मैंने यहाँ पर पूज्य परमाला जी से प्रेम भावना और देने का भाव जो मैंने सीखा वो कहीं पे मुझे नहीं मिला। आज संसार में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इतने प्रेम से बांटेगा कि पूरे देश से, और आज का आज इन्होंने विदेश में भी अपना परचम फैला रखा है कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग सेजवानी की यात्रा करते हैं, इतने प्रेम से यहाँ पे ये रखते हैं, जैसा कोई शायद ही कोई इतना आवो भगत कर सकता है। मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी जो मुझे सेजवानी में इतना प्यार और इतना स्नेह और इतने आदर के साथ, जो एक बहुत अच्छा मंत्र देते हैं पूज्य परमाले जी, आपके स्वयं को जगाते हैं, जैसे कि हम लोगों की टैग लाइन भी है परमाले प्रेमी वाणी की, कि स्वयं को जानो और सक्षम बनो पे हम जोर दे रहे हैं। सेजवानी के जो सूत्र हैं उनको मिलाकर हम ग्वालियर नगरी में हर व्यक्ति को स्वयं को जगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, यही हमारी
बहुत बहुत उपलब्धि रहेगी। हरेन धाकरे मेरा नाम है जी। मैं जब जैन साहब वहाँ आए थे नेहरू पार्क में, हम लोग घूमने जाते थे और घूमते घूमते में ये लोग प्रयोग कराते थे तो हम उसको अदरवाइज लेके चलते थे, क्या करा रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या होना है। जब इनके प्रयोग देखे तो मन लगा, करा तो कुछ आराम मिला, आराम मिला तो इन्होंने कि चलो वहाँ लेके चलते हैं आपको सेजवानी धाम में। सेजवानी धाम में जब आए हम तो हमको यहाँ लगा कुछ अच्छा वातावरण, अच्छा लगा यहाँ का। यहाँ का सबसे बड़ा तो बात यह है कि अपन जो कल्चर भूल रहे हैं, अपनी ओला बच्चे जो कल्चर भूल रहे हैं, वो कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ का। अभिनंदन करना, अच्छे से बात करना लोगों से, यहाँ का जो खान पान है वो भी अपने उसके लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आप परमाला प्रेमी वाहिनी ग्रुप से आए हैं, आपने यहाँ देखा होगा पैर धोने की परंपरा है, उम्र में कम है बच्चे, उनके भी पैर धोए जाते हैं, तो आपकी समझ क्या कहती है? पैर तो भगवान राम के केवट ने धोए थे, ऐसे ही यहाँ थोड़ा सा आदमी उस हिसाब से भी पैर धोता है कि उनकी अब क्या कृष्ण ने सुदामा जी धोए थे वो, जबकि कितने दीन और हीन और गरीब थे। तो एक आदर्श और इसको क्या कहेंगे, सम्मान नहीं, हाँ वो थोड़ा सा। मैं अजय कटारे ग्वालियर से, अभी मैं सिविल वर्क करता हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर हूँ मैं। अभी मार्च में जो सेंटर नेहरू पार्क में जन सामने खोला था उसके माध्यम से ही मैं वहाँ जुड़ा और वहाँ पे पिछले 3 महीने से मैं नियमित प्रयोग कर रहा था और जैन साहब के मार्गदर्शन में सेजवानी आने के लिए जैन साहब ने, डॉक्टर अंश जी ने मुझे प्रेरित किया और मैं यहाँ आया। मुझे लगता है कि स्वयं को जानो सक्षम बनो के अंतर्गत तो जो प्रयोग कराए जा रहे हैं बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में बदलाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन अपनी पुरातन संस्कृति के जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों को आदरणीय परमालय जी के द्वारा एड्रेस किया जा रहा है। जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनसे हमारे जो संस्कार और हमारी पुरातन संस्कृति पुनः एक बार डेवलप होगी, ऊपर निकल के आएगी, जिसके अंतर्गत करुणा, दया, परोपकार और सबसे महत्वपूर्ण जो उनके जो सिद्धांत हैं कि अपने आप को सक्षम और मजबूत और किस तरह से शक्तिशाली बनाना है, उसके अंतर्गत जो अदृश्य ब्रेकफास्ट है और स्वयं के जो एक मेंटल ओरा को, मानसिक रूप को, अपने मस्तिष्क को, मानसिक यात्रा को मजबूत बनाना, यह उनका एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे ये लगता है यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, क्यों व्यक्ति जब स्वयं में मजबूत होगा, जब मानसिक रूप से भावनात्मक मजबूत होगा तो वो शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा, जो शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा तो आर्थिक और सामाजिक रूप से व्यक्ति मजबूत होगा। तो इस तरह से एक मजबूत और शक्तिशाली समाज की का निर्माण होगा। जी, सेक्स ऊर्जा को लेकर एक सवाल करेंगे, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं जी। आपको लगता है कि उन बच्चों को सेक्स ऊर्जा का ज्ञान आपको देना चाहिए जो आजकल बच्चे भटक रहे हैं? मेरे दोनों बच्चे हैं, बिटिया है और बेटा, मैं दोनों से इस विषय पर चर्चा करता हूँ। जैसे ही बेटा अभी 16 साल का हुआ उससे भी मैंने चर्चा कर दी, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ सेक्स एक ऊर्जा नहीं है, सेक्स एक चेतना को प्राप्त करने का एक माध्यम है, ये ऊर्जा से ऊपर की स्थिति है, जो एक ब्रह्म तत्व है, ईश्वरी तत्व है और उसको अनायास या व्यर्थ में ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने यहाँ सेक्स का आशय संतान उत्पत्ति से है। हमारे तमाम शास्त्र, तमाम हमारे ऋषि मुनि, जितने भी धर्मगुरु, जितने तमाम लोग, उन्होंने एक ही विषय में मंत्र दिया है कि सेक्स का उद्देश्य सिर्फ सिर्फ संतान उत्पत्ति से है, अन्यथा ये एक विराट ऊर्जा है, जो ऊर्जा आपको एक चेतना के रूप में परिवर्तित होकर ईश्वर से जोड़ने का एक माध्यम है। हम या तमाम नौजवान इसको अनायास ही बर्बाद कर रहे हैं, यानी अपने ब्रह्म तत्व को आप बर्बाद या व्यर्थ कर रहे हैं, जो कि आपके गर्त में जाने का एक सबसे बड़ा कारण है। बच्चों को अच्छी तरह से और समाज के तमाम लोगों को इस विषय में एक शिक्षा और प्रेरणा देना चाहिए, जो मिशन परमालय जी का है। इसके माध्यम से मैं समझ रहा हूँ जितने लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, इस तत्व को, इस आशय को, जिसको अपन सेक्स से संबंधित समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसको संरक्षित रखेंगे और इस अनंत ऊर्जा के साथ अपने जीवन को सफल और सक्षम बनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ।
रंजना राय है, मैं ग्वालियर से आई हूँ। मैं 2019 से जुड़ी हूँ। जब रंग महल गार्डन में परमालय जी का प्रोग्राम हुआ था, जब ही से हमने जुड़ी हूँ मैं। लेकिन जुड़ी तो हूँ 2019 से। और मैं ये कहती हूँ कि परमालय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि परमालय जी का हमें सानिध्य मिला। हमने बहुत पुण्य का काम किया होगा कि हमें उनका सानिध्य मिला, नहीं तो आज के ज़माने में कहाँ इतने अच्छे लोग हमें मिलते हैं। और आज तक कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज में इतनी अच्छी यानी खुलकर शिक्षा नहीं देता जैसे यहाँ पे सेक्स के बारे में परमालय जी बताते हैं। कि मैंने सेक्स के बारे में बताते हैं, आज हमने स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, लेकिन इतना खुलकर कोई टीचर ने नहीं बताया जितना अच्छा उन शिक्षा देते हैं। हर यानी उसके बारे में बताते हैं। और ऊर्जा कैसे बनती है हमारे शरीर में, वो आज तक हम लोग को पता नहीं था कि ऊर्जा कैसे बनती है और कहाँ मस्तिष्क तक कैसे पहुँचाया जाए। नहीं, इतना प्रयोग किए, बहुत योगा भी करते थे, लेकिन कोई योगा वाले इतना अच्छा नहीं बताते थे कि तुम्हारी ऊर्जा मस्तिष्क तक कैसे पहुँचेगी और उसका निर्माण कैसे होगा ऊर्जा का। और यहीं आके हमें सब मिला। और परमालय जी के यहाँ आके हमें ये अच्छा लगा कि यहाँ कोई अमीरी, कोई गरीबी, कोई जात, कोई पात कुछ भी नहीं है। सबको यहाँ बराबर दर्जा दिया जाता है। और कोई यहाँ आके सबका गुरूर टूट जाता है, चाहे कितना भी करोड़पति आदमी भी हो ना, यहाँ पे सबको गुरूर टूट जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। और परमालय जी का मार्गदर्शन में आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हमारे शरीर का विकास हो रहा है और हम अपने जीवन को विकसित करने का हमें दिशा मिल गई है। मेरा नाम अशोक गौतम है, ग्वालियर से हूँ। मैं घूमने जाता था उस समय पे, मैं नेहरू पार्क गया। नेहरू पार्क में ये प्रयोग चल रहा था जी। मेरे को डॉक्टर साहब, जैन साहब मिले तो वहाँ देख कर मैं भी करने लगा। तो मैंने 2-4 दिन किए, फिर मेरे को इन्हें बताया इसके बारे में, तो मैंने थोड़ा आदर्श नाश्ता भी लिया और करना शुरू किया। तो मेरे 1 महीने में कम से कम 4 किलो वेट कम हुआ। 4 किलो वेट कम हुआ तो मैं पूरे तरीक़ा से करने लगा। यहाँ का आने का भी बोला मेरे से, मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे टाइम नहीं है। न जाने परमालय जी की क्या दुआ हुई, दोबारा से आने का मेरा मन हो गया। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का। आगे भी आते रहेंगे? आगे भी आएंगे, परिवार को भी लेके आएंगे, बच्चों को भी लेके आएंगे। मैं भान सिंह मीना, मैं पिछले 2-3 महीने से नेहरू पार्क में जैन साहब के माध्यम से, अंश जी के माध्यम से इस प्रयोग में जुड़ा। शुरुआत में तो मेरे घुटने में भी दर्द हुआ, कमर में भी हुआ और मुझे लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है। और इवन मैंने दवाई ली, पेन किलर, जिससे दर्द कम हो, लेकिन वो दर्द धीरे धीरे 2 से 5 दिन में स्वतः ही ख़त्म हो गया और मुझे दोबारा दर्द की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं करीब 5-7 साल से डायबिटिक हूँ, इसमें काफ़ी आराम महसूस हुआ है मुझे। और यहाँ आने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ जाके बोर होंगे, मेरा टाइम ख़राब होगा और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। पर पता नहीं क्या परमालय जी की कृपा हुई कि एकदम से जिस दिन आना था 2 तारीख को, उसी दिन मेरा मन बना और मैं आ गया। कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा रही, आ गया। आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं अगर नहीं आता तो जीवन की सबसे बड़ी भूल होती कि मैं नहीं आया। आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का माहौल, यहाँ की एनर्जी, यहाँ का वातावरण। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे अपने माता पिता को और भाई को भी लाऊँगा और अपनी पत्नी को भी लाऊँगा, क्योंकि जो संस्कार और जो संस्कृति हमारी ख़त्म हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उसको जागृत किया जा रहा है। उसी संस्कृति में लोग पुनः वापस आएंगे, हमारा जीवन नया जीवन होगा, नई ऊर्जा होगी, नए संस्कार होंगे। आजकल के बच्चों को आप अगर देखेंगे तो इस संस्कृति के बारे में कोसों दूर हैं, उन्हें नहीं पता कि ये भी एक दुनिया है। हमने थोड़ी बहुत देखी है माँ बाप के साथ, लेकिन आज के बच्चों को, आज की पीढ़ी को नहीं पता। तो ये संस्कार यहाँ मिल रहे हैं और मिलें। और मैं एक परमालय जी से एक निवेदन और करूँगा अगर मौका मिला तो, कि ये कैंप गर्मियों की छुट्टी में कराया जाए। गर्मियों की छुट्टी में जो हमारे किशोर अवस्था के बच्चे हैं उनको ला के उनको बताया जाए। जैसे बात चलती है कभी सेक्स की, तो उसको इतनी घृणा से और इतनी उससे देखा जाता है, शर्मती हैं लोग, बोलते नहीं है उस विषय में, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, उसको कुछ दूसरी चीज़ों में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जब उस चीज़ का एक्चुअल अर्थ पता चलेगा, लोगों को समझ आएगी कि ये क्या है। यहाँ पे एक परंपरा और देखी मैंने, पैर धोने की। कितना भी बड़ा अमीर है, गरीब है, क्या है, सबके पैर धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं। जैसा भगवान ने किसी ज़माने में सुदामा के पैर धोए थे, हम और आप सुनते आ रहे हैं, वो परंपरा यहाँ देखने को मिली। ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है।
तो उससे एक अलग आनंद और एक आदर भाव महसूस होता है। यहाँ के प्रेम भाव को देख के लगता है कि सब मतलब एक इतना प्रेम कहीं शायद मिलेगा। आप नाते रिश्तेदारों के पास भी जाएंगे तो आपको इतना प्रेम और इतना सत्कार नहीं मिलेगा। आप भोजन का भाव देखेंगे तो ऐसा लगता है कि 56 भोग परोस दिए हैं और आपको बड़े प्रेम से भोजन कराया जा रहा है। बड़ा अति आनंद आता है जो कि मेरे अपने 40 साल के जीवन में देखने को नहीं मिला था, जो पहली बार देखने को मिला है। तो मैं परमालय प्रेमी बाहिनी और गुरुजी को और जो मुझे लेके आए हैं जैन साहब, मीनू माँ और अंश जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू जैन है। आपको क्या परिवर्तन लगा यहाँ आने से और जो महिलाएं इस इंटरव्यू को देख रही हैं उन्हें किस टाइप का फायदा मिलेगा? उन्हें यहाँ पे बहुत फायदा मिलेगा। यहाँ पे संस्कार हैं यहाँ पे और ना वातावरण यहाँ का अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अपने जो बीमारियाँ हैं अपने शरीर में वो भी यहाँ पे ठीक होती हैं। आजकल महिलाओं को ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोच पाती है तो ज़्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये। और आपकी क्या बीमारियाँ ठीक हुई? मेरी तो बहुत सारी बीमारी, मुझे बीपी हो गई थी, थायराइड हो गया था, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया था इससे, और मेरा वेट भी बढ़ गया था मेरा। तो मैंने सब 2021 से मैं यहाँ पे बराबर रेगुलर आ रही हूँ यहाँ पे। वैसे 2016 से जुड़ी थी लेकिन मेरे बच्चे छोटे तो मैं अपना ध्यान नहीं रख पाई और मुझे ये सारी परेशानियाँ मुझे होने लगी थी। तो मैंने यहाँ पे आके मैंने अपनी सारी बीमारी यहाँ पे रह के मैंने अपने सबको ठीक किया। मैंने एक साल में अपनी सारी बीमारियाँ मैंने ठीक कर ली थी। मेरा नाम बिमल संखवार है और मैं ग्वालियर से आई हूँ और मैं ये अपने खुद से 2016 से जुड़ी हूँ और तब से हमें भारी रूपांतर आए हैं और हमें कई छोटी मोटी तो कई बीमारियां थी वो हमारी ऐसे ही सॉल्व हो गई। अब तो कोई दवाई नहीं लेते। अब जो सुबह की पहले तो कंटिन्यू थायराइड की दवाई चलती थी वो भी हमारी छूट गई है। और हम तो परमाला जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी हमको रास्ता बताई और जिस साथ में जो खड़े हैं जे भी थोड़े इधर उधर चलते थे वो भी अब लाइन पर आ गए हैं। लाइन पे आ गए हैं वो भी हमारा कहना मानते हैं और हम भी थोड़ा थोड़ा मानते हैं। अच्छा, इधर इधर उधर जी रहते थे कहाँ, इधर उधर का क्या करते थे पहले? आपको लगता है कुछ कमियाँ थी? कमियाँ बहुत थी। अब सही है? बहुत, अब भी सही है। 50% नहीं, अब तो आ गए 99 पे तो आ गए। तो अभी 1% तो है कमी। 1% क्या कमी मानती है? अब वो है, वो हम ही मान जानते हैं क्या कमी है। वही है, हम तो परमाले जी को धन्यवाद दूंगी कि वो हमारी जिंदगी में आए और हम उनसे जुड़े। आपने बहुत सी हवाई यात्राएं भी की हैं शिविर को अटेंड करने के लिए। बहुत शिविर तो हमने बहुत अटेंड किए पर हवाई यात्रा में हमारी वो ये वीडियो नहीं बन पाई। जी और हम तो यही कहेंगे कि हमारी ब्रेन की शक्तियाँ जब तक नहीं जागेंगी जब तक हम सही आहार। आपसे भी एक सवाल करना चाहेंगे, आपने बेटे को अपनी तरह बनाई है अपने परमाले जी की तरह? उसका तो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते परमाले की तरह, तो आज तक पता नहीं। माँ बाप है, आप संस्कार दे सकते? संस्कार देने होते तो बचपन से देते, अब तो वो हमें संस्कार दे रहे हैं। सच बोल रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि सुविधा से आदमी हर पल हर क्षण नीचे गिरता चला जा रहा है और साधना से, जैसे साधन का उपयोग हम साधना के लिए करते हैं और साधना का उपयोग हम शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं और शक्ति का उपयोग हम अपने विजन को बड़ा करने के लिए करते हैं, तो ये कैसे होगा हमारा? जब हमारा सही आहार होगा, सही निद्रा होगी, सही व्यायाम होगा, सही हमारी भोजन की थाली होगी, उसी से हम कर सकते हैं। तो और हम तो सभी से कहेंगे जितने साधक आए हमारे ग्वालियर से और हमारा सबका नाम रोशन करें, जैन साहब का नाम रोशन करें कि हम वहाँ गए थे तो हमें तो स्वर्ग जैसा आनंद आया, अनुभूत हुई। तो और यही ब्रेकफास्ट सबको लेना चाहिए। धर्म सिंह मैं ग्वालियर और पधारा ग्वालियर से आया हूँ। से जवानी की फर्स्ट यात्रा है मेरी और परमाले जी को पहले कोटि कोटि नमन। जो इतना सुंदर दृश्य उनने यहाँ बनाया है, हमारे मन में तो विचार आ रहे थे कि बार बार जैन साहब कह रहे थे कि स्वर्ग है, आप चलो तो एक बार। पहले एक और इससे पहले एक कैंप आया था उसमें हम चूक गए थे, पर इस बार हमने 3 महीने पहले ही टिकट करा दिए थे।
जबकि इससे पहले हमने गोवा का टिकट करा दिया था, पर गोवा का टिकट हमने कैंसिल करके सेजवानी को चुना, इसलिए चुना कि हम भी अपने परिवर्तन करना चाह रहे थे अपने बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं। हम योगा कर रहे थे बहुत सालों से, जब मुलाकात हुई मार्च में, जब इनने फर्स्ट कैंप लगाया हमारे यहाँ, जब हमने नाभि झटका किया तो हमको बड़ा चेंजेस आया उससे, जब देखा कोई ना कोई तो है इसके अंदर। तब बीपी मेरा बढ़ता था, दवाई खा रहा था तो बीपी एकदम नॉर्मल हुआ। डॉक्टर ने बात की कि भई अब तुम्हारा बीपी बड़ा सही आने लगा, तो मैंने कि अब एक नया योगा कर रहे हैं हम नाभि झटका, उसका प्रयोग से शायद मेरा वजन भी एकदम डाउन हुआ था, अब वजन वहीं की वहीं आ गया है। पहले वजन मैं बार बार कह रहा था इन सब लोगों से मेरा वजन कम हो रहा है, पर कुछ दिनों के बाद वो वजन बैलेंस में आ गया, अपने आप ही वजन बैलेंस में आया। तो मुझे इस प्रयोग से इतना फ़ायदा हुआ, और जब यहाँ यात्रा हुई सेजवानी की, सेजवानी में आकर के तो एकदम दृश्य देख करके जो परमाली जी की बातें सुन के बहुत चेंजेस आया है, अपने आप में जाने का एक सौभाग्य मिल गया है कि अपने आप को जानो। कैसे जानना है? कुछ लोग कह रहे थे कि जैन समाज से संबंधित ये कार्यशाला है, आपको लगा कि किसी एक धर्म का बढ़ावा है? नहीं सर, इसमें कोई जैन समाज से संबंध नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड और पूरे भारत का एक हिस्सा है, ये तो प्राकृतिक को लौट के ले आ रहे हैं। जो लोग छोड़ गए थे, संस्कार छूट गए थे, वो संस्कार को वापस लेकर आ रहे हैं। आप बैठ कर के खाना खिलाना आज परमाली जी सिखा रहे हैं दोबारा से, लोग कुर्सी पर बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। कल उनके जो प्रवचन हुए उसमें बहुत सीखने को मिला। हम लोगों को बैठ के ही खाना खाना चाहिए। जो हमारे गुड ने उनने एक बारीकी बात बताई कि जो इंग्लिश पॉट था उसको यूज कर रहे थे हम लोग, अब वो इंग्लिश पॉट ना यूज करते हुए हमको देसी पॉट यूज करना चाहिए, उससे हमारे घुटने मजबूत रहेंगे। इसलिए इस प्रयोगशाला में आकर के तो बहुत चमत्कार हुए हैं, और इसका बहुत आगे विस्तार होने वाला है। धन्यवाद पाल जी। क्या नाम? मेरा नाम राम सहाय, मैं भी ग्वालियर से आया हूँ। परमाला प्रेमी बहनी को प्रणाम करता हूँ, और डॉक्टर साहब जैन साहब के मार्गदर्शन में मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ का जो दृश्य देखा है बहुत सुंदर है। आप जो कह रहे थे कि क्वेश्चन किया था भाई साहब से, पैर क्यों धुलते हैं, ये क्या संस्कृति है, पैर जो लोग धुल रहे हैं उनसे हमें भी प्रेरणा आई कि जो बहुत बड़े सम्राट लोग भी पैर धो रहे हैं, तो हम भी उस धारा में बहें तो सेवा का भाव जागता है पैर धोने से, कोई बड़े का छोटे का। क्या आप बच्चों के भी धोएंगे? बच्चे हैं तो बच्चे भी अगर धुलेंगे हम, तो वो भी एक संस्कारवान बनेंगे, इसलिए बच्चों के भी धुल सकते हैं, कोई वो नहीं। हम अपने अहंकार को त्याग करके, मैंने कल जब पैर धुले तो मुझको वो ऊर्जा मिली उस पैरों से, मैं और जैन साहब और अंश जी हम बैठे थे, मेरे अपने आप ही जागृति हुई पैर धुलने की, पता नहीं एकदम अंदर से आया कि मुझको भी ये काम करना चाहिए। जब मैं पैर धुल रहा था और पैर पहुँच रहा था, उस टाइम पर एक ऑरा बन रहा था मेरे अंदर कि मैं एक बहुत पुण्य का काम कर रहा हूँ, इससे मुझे शक्ति बढ़ रही थी। तो ऐसा है मानना है, ये कह रहे हैं कि उससे शक्ति मिलती है। जो आदमी बड़ा कोई नहीं होता है, इसलिए ये संसार की रीति है कि बड़ा और छोटा सबको समान बनाने के लिए। पैसे में बड़ा होता है, कार में बड़ा होगा, अपनी रेपुटेशन में बड़ा होगा, लेकिन जब किसी धार्मिक संस्था में या अपने आप को पूर्ण ज्ञान में आ जाता है तो वो सोचता है मैं कुछ नीचे करके चलूँ। जैसे वृक्ष में जब फल लगता है, जब वो पक जाता है तो नीचे सुतह झुक जाता है, तो वो ध्येय बनाने के लिए ये परंपरा पैर धोने की है, और जिसको ज्ञान है वो इस कार्य को संभालता है। तो इसलिए ये बहुत सराहनीय काम है, चाहे कोई भी हो करना चाहिए। आ रहे हैं, एक समय ऐसा था जब कम लोग आपके साथ आते थे, अब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये परिवर्तन कैसे? ये हमारे परमाला प्रेमी वाणी के क्रांति संयोजक हैं, तो लोग तो आएंगे ही ज़्यादा। ये परिवर्तन धीरे धीरे, जब कोई अच्छा काम होता है और लोगों को जब लाभ मिलता है, एक तो स्वास्थ्य लाभ मिलता है, उसके बाद जो परमाले जी जो यहाँ के सूत्र हैं, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक निद्रा, तो ये सूत्रों के आधार पर जो मनुष्य यहाँ जो साधक लोग आते हैं, पूरे भारत से, भारत नहीं पूरे विदेश से भी आते हैं, तो जो लाभ उनको मिलता है, तो जब वो दूसरी लोगों को भी बताते हैं कि हमको तो ये लाभ हुआ, हमारा ये स्वास्थ्य सही हुआ, हमको तो आनंद आता है, उससे परिवार भी देखता है कि यार ये बड़े खुशी में है, तो परिवार भी देखता है ये वहाँ गए थे बड़े आनंद में आते, हम भी चलेंगे। पत्नी बोलती करते क्या हुआ, तो वो भी देखने आती है, जब देखने आती है तो उनको पता चलता है ये तो बहुत अच्छा है। तो ये क्या है, सभी से जुड़ते हैं लोग, हम
तो सब लोग खुशी हो गए और लोग बढ़ते आएंगे ही। तो आज जो स्थिति ये हो गई है कि पूरे भारत में जो परमाले जी के कैंप हैं संटू मैन की, वो बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्या है, डेवलप होता जा क्या होगा, जब कहीं अच्छा काम होगा, जैसे कोई स्कूल है, स्कूल जो जहाँ बच्चे जैसे थोड़े गए, उनको जैसे अच्छा उनका रिजल्ट आया तो बाहर उनके माता पिता देखते यार ये अच्छा स्कूल अच्छा है, तो ज़्यादा फिर बच्चे आएंगे ना। उसी हिसाब से हम लोग सब स्टूडेंट ही हैं सीखने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति, परिवार के प्रति, तो इसलिए संख्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ का जो वातावरण है वो तो आपने देखा ही है कितना सुंदर है। मैं 2019 में जुड़ा था, तब तो नहीं आया, पर मैं 2 साल से लगातार, हम पत्नी दोनों ही आते, अकेले तो हम नहीं आते ना, वो कई अभी चुनाव में ड्यूटी लग गई थी तो मेरा रह गया था, रिजर्वेशन था मेरा, लेकिन हम बराबर। आपके घर के बच्चे भी इसका पालन करेंगे, वो भी आएंगे या कि नहीं आएंगे? नहीं, बच्चों का तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, हमें अपनी गारंटी है खाली, बस पत्नी की, पत्नी जाने हमारी गारंटी। मेरे को पता है ना, मैं किसी को नहीं, मैं किसी को नहीं बदल सकता। मैं जब बदलूंगा मेरे को देख, इंटरव्यू आपका बेटा भी देख रहा है, हाँ, तो उसको नहीं लग रहा है कि हम पिता की संस्कार हम नहीं, वो देखें और समझें। जब हमें परिवर्तन आएगा, उनको समझ लगेगा कि हमें भी कुछ सीखना है तो सीखे। क्या आज आप देख रहे हो, ये जो समय है ये, तो जो आपका जो हूम जो आपका जितना जनरेशन है नई वाली इस समय की, क्या वो हमने अपने समय देखा, हम तो 59 साल के अभी अगस्त में हो जाएंगे, 6 अगस्त को 59 साल का हो जाऊंगा, तो हमने शुरू से जो परंपराएं अपने परिवार में देखा है, जो कल्चर है यहाँ का, उस कल्चर में मैं रहा हूँ, उसमें पला बड़ा हूँ, मैंने देखा है, हमारे बच्चों ने नहीं देखा। मैं जब फिरोजाबाद से आया था यहाँ तो यही मैं देखा, बच्चे मेरे यही पैदा हुए, उनने यहाँ का कल्चर देखा, उन्होंने तो देखा ही नहीं है, तो उनको सब कुछ मिला है। और मैं कम से कम 3 महीने से तो इससे प्रेम बहानी से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं योगा 25 साल हो गए मुझे करते हुए, मेरी 74 साल की उम्र है इस समय। जैसा कि मैंने नाम सुना है प्रेम बहानी, तो उसे को सार्थक करते हुए जहाँ जितना प्रेम मिला है नहीं, उतना कहीं पर भी नहीं मिला है। और जैसे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति मोक्ष में ना 3 चीज़ें ऐसी हैं, विधाएं, जो कि जिनसे आदमी इतना अपने आप में इतना खो जाता है कि सीधा भगवान से संपर्क होता है, योग, भोग और नृत्य। इनमें आदमी सब कुछ पूरी चिंताएं भूल करके और उस पर लीन हो जाता है उसमें। जिस आप भी तो यहाँ कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे आप भी, हाँ, कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा, क्योंकि नृत्य ऐसा होता है कि आदमी जितनी भी टेंशन वगैरह हैं वो सब भूल जाता है उनसे, इतना लीन होता है उसमें कि और किसी में नहीं होता। जैसे पहले तनाव में रहते थे क्या आप? तनाव में तो हमेशा ही रहते हैं। अब मुक्ति मिली है क्या? हाँ, मिली है ना अब जी, रहेंगे। आते रहेंगे बिल्कुल। मेरा नाम जगदीश नारायण साख, 12 राजस्थान से हूँ। यहाँ आने पर हमको 3रे दिन ही महसूस ये हुआ कि ये जब ऊपर के हाथ उठाया तो ये झन्ना गया, मतलब कहने का शून्य जैसा लग रहा था मेरे को। हमने टटोला इसको हाथ को, नहीं नहीं ठीक है अपनी जगह पर, और उस हिसाब से हमको गुस्सा भी आती थी तो अपने गुस्सा भी हम थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। समझे गुस्सा क्यों आती थी आपको? वो सब खान पान के हिसाब से ही आया करती थी, मतलब तामसी भोजन करते थे पहले आप? बिल्कुल तामसी भोजन करते थे। अब तामसी भोजन ना करके फिर भी थोड़ा बहुत तो चल जाता है, घर में का करा जाए। तो यहाँ का भोजन वहाँ कोशिश करेंगे बने घर पे भी? नहीं, हाँ कोशिश पूरी करता हूँ, और मतलब कहने का, और जहाँ तक है कि हम बिल्कुल हम तो अपने आप में ही अलग महसूस करता हूँ वहाँ सर, और अपने हिसाब से ही खाना बन जाता है हमारे लिए, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आने पर। हम जुलाई में भी अभी आएंगे 11 दिन के। राम नरेश सिंह तोमर, आई वॉज असिस्टेंट एडिटर ऑफिसर इन अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ग्वालियर। और मेरे को यहाँ आके जो जिंदगी में मैंने कहीं नहीं देखा वो यहाँ देखा, कि एक तो ऊंच नीच का फला नहीं जा, अब कई लोग जैन हों या बौद्ध हों कुछ भी हों, बुद्ध की प्रार्थना भी यहाँ हो रही थी, देखी थी, हाँ। और परमाले जी के बारे में बताया कि जैन जी खुद हैं, हमें उन्होंने ही बताया वैसे मेरे को प्रणाम जी, पर वो बुद्ध का अच्छाई हो, गौतम वो उनकी महावीर की अच्छाई हो,
इवन इस्लाम की अच्छाई हो, किसी की मोहम्मद साहब की और ईसा मसीह की अच्छाइयाँ हो, अच्छाइयाँ कहीं से भी ग्रहण करना चाहिए, हम आदमी हैं तो यही हमारी बात है। मेरा नाम महेंद्र सिंह भदौरिया है। जी, कहाँ से? मैं ग्वालियर से, नेहरू पार्क से। ये यहाँ पर आपने शिविर को आपने अटेंड किया है, यहाँ किस प्रकार का बदलाव आप क्या समझ पाई है आपने? नहीं, ये शिविर अटेंड करके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जी। जैसे नेचुरल खाने पीने के प्रति, नेचुरल उसमें रहना और अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ आके प्राकृतिक वातावरण में रहना बहुत अच्छा लग रहा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। ठाकुरों में तो बहुत गुस्सा होता है, आपको लगता है इस भोजन से संतुलन? नहीं नहीं, बिल्कुल संतुलन आएगा, जैसे वातावरण में लोग रहते हैं उसी टाइप का मतलब वो रहता है।